Hi everyone, this is instructor Alina here, and today we'll be starting with chapter power resources. Power resources, पहले हम पढ़ते हैं power है क्या? A power resources are those substances through which we can generate energy to meet power requirements of the country. जब हम खाना खाते हैं हमें ताकत मिलती है तो उसकी वजह से हम काम कर सकते हैं. इसी तरह पावर रिसोर्सेज वो सब्सटेंसेस हैं जिससे हम ताकत को लाते हैं और हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स कंट्री की पूरी हो जाती हैं. अब हमारे दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं. अगर हम ऐसे पाकिस्तान का देखें ना, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल इस्तेमाल होते हैं. ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एलपीजी, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. ले और कोल और सीएनजी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मेन जो है ना, वो हमारे पास ऑयल, नेचुरल गैस, कोल इस्तेमाल होता है जो नॉन रिन्यूएबल है. और जो रिन्यूएबल है वो हाइड्रल पावर, मतलब जो हम वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. और जो माइन एनर्जी है वो न्यूक्लियर, एलपीजी और सीएनजी होते हैं. अब हम दो तरह के रिसोर्सेज की बात करते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो है जो बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे. सनलाइट है, ताप कयामत रहेगी, और हमारे पास वाटर है, विंड है, ये सारी चीज़ें हैं, ये रहेंगी ताक अहमद. ये जो है रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल जो बार बार नहीं यूज हो सकते, जैसे अगर हमारे पास कोल है, कोल को लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. इस वजह से अगर एक दफा कोल खत्म हो गया तो अगली जितनी भी जनरेशन आएंगी, काफी जनरेशन गुजर जाएंगी उसके बाद मिलेगा, तो फॉरन से रिप्लेस नहीं होता है जैसे वो खत्म हो जाए. फॉसिल फ्यूल के रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. प्री हिस्टोरिक जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं. कोल और गैस. कोल क्या है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जैसे हमें पता है कि पूरे अर्थ पे पानी था. अब पानी का कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर कुछ ट्रीज भी थे. अब अर्थक्वेक आए, कभी फ्लड जाए, कभी कुछ भी हुआ, तो वो ट्रीज नीचे जमीन के दब गए. जब वो नीचे जमीन के दब गए तो फिर काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे और फिर बन गया हमारा ये कोल. हमारे पास पाकिस्तान में जो कोल मिलता है ना, वो मिलता है बिटुमिनस और लिग्नाइट, ना पीट मिलता है ना एंथ्रासाइट मिलता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं एंथ्रासाइट कोल, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. ये ब्लैकेस्ट कोल है. जितना ज्यादा कोल अच्छा होगा, उतना ज्यादा ब्लैक होगा, उतना ज्यादा उसमें कार्बन कंटेंट होगा, और उतना कम उसमें लाइक ऐश कंटेंट या फिर बाकी सल्फर वोलेटाइल कंटेंट कम होगा. तो ये सारा है, और एंथ्रासाइट में सारी क्वालिटीज हैं. अब बिटुमिनस हमारे जो पाकिस्तान में मिलता है, वो डार्कर एंड कलर एंड फाउंड डीपर अंडरग्राउंड. दो टाइप्स है, स्टीम कोल है, कोकिंग कोल है. स्टीम कोल जो है वो हार्ड ब्लैक कोल है, कंप्रेस सीम्स में मिलता है, और कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट से तो कम है, क्योंकि एंथ्रासाइट बहुत अच्छा है और बिटुमिनस उससे लाइक थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन हाँ अच्छा है. कोकिंग कोल ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. अब लिग्नाइट जो है वो हमें सर्फेस के करीब मिलता है, इजियर टू माइन है. इसका लो क्वालिटी कोल है. लिग्नाइट जो है वो लो क्वालिटी कोल है, हाई मॉइस्चर ऐश कंटेंट है, लो हीटिंग वैल्यू है. अच्छा कोल होगा अच्छी हीटिंग है, ज्यादा हीटिंग वैल्यू होगी, और अगर अच्छा कोल नहीं होगा तो लो हीटिंग वैल्यू. पीट पीट जो है वो भी बस अपनी अर्ली स्टेज में अजीब सा, उसको हम नाखून से भी स्क्रैच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं. तो पीट बहुत जैसे कावडंग की तरह होता है ना, उसी तरह से अजीब सा एक कोल होता है. फिर कोल फील्ड्स हमारे जो पाकिस्तान में, हमारे पास जो कोल फील्ड्स हैं पाकिस्तान की, वो सॉल्ट रेंज है एंड मकेरवार गुल्ला खेल. सॉल्ट रेंज कोल फील्ड हमारे पास पंजाब में, मकेरवार गुल्ला खेल हमारे पास केपीके में है, और कोयटा कोल फील्ड बलोचिस्तान में, लोअर सिंध कोल फील्ड हमारे पास सिंध में. अब सॉल्ट रेंज कोल फील्ड जो है वहां पर हमारे पास पंजाब में है, और वहां पे जो दो मेन कोल के एरियाज हैं जहां पे हमें कोल मिलते हैं, कोल माइंस हैं, वो हमारे पास डंडोट और पेध है. इतना ज्यादा याद नहीं करना जो यहाँ पे लिखा है, आपने डंडोट और पेध याद रखना है, और शॉर्ट रेंज कोल फील्ड. मकेरवाल गुल्ला खेल है, मकेरवाल गुल्ला खेल है, तो इसकी जो नाम है ना, इसकी कोल माइन का, उसका नाम ही मकेरवाल गुल्ला खेल कोल फील्ड है, इसका नाम ही मकेरवाल गुल्ला खेल है, तो आपको वही याद रखना है. मकेरवाल गुल्ला खेल माइन भी है. कोयटा कोल फील्ड जो है यहाँ पे आपको कोई तीन याद कर रहे हैं, सौर दिगारी मच्छ, तीन याद कर लें. अब ये इतना इतनी ज्यादा डिटेल में हमें एक एक के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए. जब लोअर सिंध में आते हैं तो सोंदा, लाखड़ा, झिम्पीर है हमारे पास. अब हमारे पास थरकोल फील्ड भी अभी जो डिस्कवर हुई है, आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन में डाल सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास आए कि क्या बेटर है कि हम रिन्यूएबल को यूज करें या नॉन रिन्यूएबल को. अगर आप नॉन रिन्यूएबल की एग्जाम्पल डालना चाह रहे हैं तो थरकोल फील्ड की डाल. कि अभी हमने 1992 में इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने डिस्कवर किया था, और काफी सारा हमारे पास इसके यहाँ से कोल मिला है. एक्सप्लोटेशन तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कोल मिल चुका है. अब माइनिंग कैसे है, माइनिंग कोल को हम माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं. माइनिंग क्या है, माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. जब हम अर्थ को, हमारे पास अगर मिनरल्स डीप मिलते हैं, अर्थ के अंदर डीप मिलते हैं, तो हम माइनिंग से निकालते हैं, और मिनरल्स डिफरेंट टाइप्स में मिलते हैं. मेथड्स क्या है, दो मेथड्स हैं, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग है. अंडरग्राउंड माइनिंग में एरिड माइनिंग और शार्प माइनिंग है. ओपन कास्ट माइनिंग क्या है कि ऊपर ऊपर सर्फेस को आपको मिनरल मिला, आपने अपने उसे निकाल लिया. लाइक ओपन कास्ट ऊपर ऊपर है, बिल्कुल ऊपर सर्फेस के ऊपर नहीं है, लाइक सर्फेस के करीब है, नीचे नीचे करीब है.
तो आराम से निकल आते हैं। एरिड माइनिंग कहाँ होती है? हिली एरियाज में, जहाँ पे मिनरल सीम एक हिल साइड पर होती है। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को डक करते हैं और डिफरेंट लेवल्स पर डिक करते हैं। और फिर यहाँ पर शाफ्ट माइनिंग जो है, वहाँ पे मेन शाफ्ट है। जैसे यहाँ पर शाफ्ट माइनिंग है, बहुत डीप होता है इसके अंदर, तो शार्ट्स बना के हम लोग यहाँ से निकालते हैं। शार्ट्स वर्टिकल है, फिर टनल्स आर देन डग हॉरिजॉन्टली, फिर ऐसा ऐसा मिनरल सीम्स को निकालते हैं। डायनामाइट यूज होता है ब्लास्टिंग के लिए। ये ओपन कास्ट माइनिंग के करीब करीब मिल गया, हमने यहाँ से निकाल लिया। एरिड माइनिंग हिल साइड पर एक्सपोज थी। प्रॉब्लम्स क्या है अंडरग्राउंड माइनिंग की? वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट का मसला, डेंजरस गैसेस होते हैं। माइनर्स कभी कभी अंडरग्राउंड फ्लड अंदर वो पानी वगैरह भर जाता है, जिस वजह से माइनर्स अंडरग्राउंड ट्रैप होते हैं। और ड्यू टू एक्सप्लोजिव मटीरियल टनल जो है वो कोलैप्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, जब कोल को निकालते हैं तो उसे लॉरीज में लोड करते हैं। कभी कभी डोंकीज भी यूज होते हैं अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि हमारे पास ये डोंकीज है, इतना ज्यादा अच्छा तो है नहीं हमारे पास कि हम ट्रॉली वो अंदर बिल्कुल सही से रेलवे वगैरह बनाते, सही से बना। हमारे पास डोंकीज और ये ट्रॉलीज यूज होती है। जब तक तो कोल बाहर आ जाता है माइन से, तो फिर उसको मिडिल मैन को सोल्व करते हैं। वो फर्दर लोड देम इन टू ट्रक्स, और उसके बाद वो ब्रिकटन और सीमेंट फैक्ट्री जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है उधर भेज देते हैं। जब कोल थर्मल पावर स्टेशन पर आता है तो रेल ट्रांसपोर्ट यूज होता है, क्योंकि ये सस्ता है, क्योंकि इकोनॉमिकली फीजिबल है। ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ये वही है। अब नेम थ्री वेज, एरिड शाफ्ट, ओपन कास्ट, ये तीन तरीके हैं हमारे पास। अब कोल लो क्वालिटी क्यों है? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में अगर लिग्नाइट, ज्यादातर लिग्नाइट मिलता है, तो लिग्नाइट जो है वो लो बर्निंग टेम्परेचर है, प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, लो कार्बन कंटेंट, इंप्योरिटी ज्यादा, ऐश कंटेंट ज्यादा, सल्फर कंटेंट ज्यादा। अभी हमारे पास एक मैप आया है, मैंने आपको बताया यहाँ पर लोअर सिंध हमारे पास कोल फील्ड है, ये कोयटा कोल फील्ड है। यहाँ पर सोंदलाखड़ा झंपीर है, कोयटा कोल फील्ड में मके वो है सॉरी सोल, दिगारी और मच्छ। यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट रेंज कोल फील्ड है, जिसमें डंडोट और पिद है, और यहाँ पे मकेरवाल कोल फील्ड है, जिसमें मकेरवाल गुल्ला खेल है इसकी माइनिंग सेंटर का नाम। तो कोल फील्ड जो चीजें मैं आपको बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है। अब कोल फील्ड एक्स कोल कहाँ कहाँ यूज होता है? ये हमारे पास कोल फील्ड एक्स कौन सी थी? ये रही कोयटा कोल फील्ड। तो कोयटा कोल फील्ड जो है वो दो मेन यूजेस बताने, ब्रिक किल में यूज होता है, इंपोर्टेड कोल के साथ फिर हम मिक्स करते हैं स्टील मेकिंग। स्टील मेकिंग के लिए बहुत अच्छा कोल चाहिए, तो हम एंथ्रासाइट मंगवाते हैं बाहर से, और जो हमारा लो क्वालिटी कोल है, जो बिटुमिनस कोल है, उसके साथ मिला लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास स्टील मेकिंग वगैरह में यूज होता है। स्टील मेकिंग में यूज होते हैं ब्रिक किल में। क्यों कोल को इम्पोर्ट करना है? क्योंकि हमारे पास इतना माइन नहीं होता है, हमारा इतना अच्छा नहीं है कि हम आयरन के लिए इस्तेमाल कर सकें, और हमारे जो सीम्स है ना वो बहुत थिन है, 1 to 3 फिट थिक है, इतनी सी है बस। बाकी अगर दुनिया में बाहर देखें तो 10 फीट थिक है, तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा कोल मिलता है फॉर मिक्सिंग विद लोकल कोल, ताकि फिर हम आयरन स्टील वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकें इस इंडस्ट्री में। अब वायरस कोल ओनली सप्लाई 4% ऑफ एनर्जी, और वाई कोल इज लिमिटेड वैल्यू एनर्जी सोर्स क्यों है? क्योंकि लो क्वालिटी लिग्नाइट है, इतना ज्यादा माइन नहीं होता है, बल्कि और हैवी टू ट्रांसपोर्ट है, और सिर्फ एक चीज ही नहीं है, बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। कोक ब्रिक्स सीमेंट आयरन स्टील डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। कोल सीम्स आर डिफिकल्ट टू माइन, थिन और फॉल्टेड है। क्यों एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल लिमिटेड है? यही चीजें जो हमने माइनिंग के चैप्टर में पढ़ी थी ना, तो वही लिमिटेड है कि वहाँ मुश्किल है, वो यहीं पर सारी आ गई। अब मिनरल रिसोर्सेज में पढ़ा था सॉरी हमने। अभी हमारे पास आउटपुट आता है किस कौन सी कोल फील्ड है? सोल रेंज कोल फील्ड है। तो आउटपुट हमें बताना है, फ्लक्चुएटेड बता दें, हाईएस्ट बता दें, लोएस्ट बता दें, ज्यादा इंक्रीज कब डिक्लाइन आया, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ से डिक्लाइन हुआ, ऐसे बता दें। अब दो अदर मेन एरियाज क्या है कोल प्रोडक्शन के, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो यही। अब मिनरल ऑयल पेट्रोलियम है, मिनरल ऑयल की इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये हमें पोरस स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। पोरस स्पेसेस, पोर्स होते हैं उसके अंदर, जो अलाउ करता है उसको ऑयल और गैस को पास थ्रू होने में। जहाँ पे ऑयल मिलेगा वहाँ पे गैस भी मिलती है। और इट मेनली अकर्स इन डोम शेप्ड एंटीक्लाइंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स। आगे पढ़ेंगे, ऑयल इज ट्रैप्ड इन एंटीक्लाइन विद गैस अबव एंड द वाटर बिलो। इट कैन बी फाउंड हंड्रेड्स ऑफ मीटर अंडरग्राउंड अंडर द सी बेड। अब सर्च पर ऑयल 1860s में हुई थी। ऑयल और गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ऑयल और गैस को दोनों को, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑयल और गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने डिस्कवर किया था, कौन सी हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तीन सारी ऑर्गेनाइजेशन है। द फर्स्ट पेट्रोलियम, ये आगे इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग क्या है? ऑयल को हम लोग माइनिंग नहीं करते हैं ना क्वेरिंग करते हैं, हम ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं। ऑयल एक लिक्विड है, कोल की तरह तो माइन नहीं होगा, तो वो नॉर्मली डीप अंडरग्राउंड होता है और हम ड्रिलिंग से निकालते हैं। बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है और इसमें ड्रिलिंग मशीन बहुत बड़ी इस्तेमाल है। डायरेक्ट डायरेक्ट एक बहुत बड़ा स्टील का स्ट्रक्चर है जो ड्रिलिंग की मशीनरी को अपने अंदर होल्ड करता है। तो ड्रिलिंग जो है 2000 से 5000 मीटर डीप होती है, या फिर जब तक ऑयल लेयर नहीं मिलती है, ऑयल का डिपॉजिट नहीं मिलता है तब तक, और फिर ऑयल फिर खुद ब खुद ही बाहर आता है जब प्रेशर पड़ता है रॉक्स में। ऑयल वेल इज प्रॉपरली टैप्ड टू प्रिवेंट वेस्टेज।
हम ये एंटी क्लाइन चला रहे, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, ऑयल जो है वो दो नॉन पोरस के रॉक्स के बीच में होता है और पोरस रॉक्स में मिलता है, ऊपर इसके गैस नीचे वाटर होता है इसके। तो जो प्रोसेस स्टेप्स के हैं, पहले डेरेक होता है, डेरेक से साइड पाइप पाइप अटैच होते हैं, तो पाइप नीचे जाते हैं। अब डेरेक में हमारे पास डायमंड होता है, डायमंड क्यों हुआ, डायमंड बहुत हार्ड रॉक है, डायमंड मतलब हार्ड रॉक्स को भी क्रश करता है, तोड़ तोड़ के पाइप अंदर चले जाते हैं। फिर जब पाइप अंदर चले जाते हैं तो उसको प्रेशर रिलीज होता है, पाइप अंदर गए तो ऑयल बाहर प्रेशर से निकलता है, जब ऑयल प्रेशर से निकलता है तो बहुत गर्म गर्म होता है, उसको फिर पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो, और फिर जब कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व लगाते हैं पाइपलाइन में और फिर डेरे को रिमूव करते हैं। हमारे पास दो ऑयल फील्ड है, ज्यादा नहीं है, एक पोटोवार प्लाटू है जो नॉर्दर्न रीजन में, और लोअर सेंध ऑयल फील्ड है। तो एक पोटोवार प्लाटू ऑयल फील्ड है जो नॉर्दर्न रीजन, और लोअर सेंध ऑयल फील्ड हमारे पास सदर्न रीजन। द नॉर्दर्न रीजन जो है वो हमारे 1915 में डिस्कवर हुआ था, और धुरनाल और मयाल ये जो हैं ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं, धुरनाल और मयाल ये दो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, जो जगह हमें वहाँ पे मिलती है वो ये है। और लोअर सिंध हमारे पास ऑयल फील्ड जो सदर्न रीजन में है, वहाँ पे टंडो आलम वो एक जगह है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ऑयल मिला। अब ये क्या है क्वेश्चन, ऑयल रिफाइनिंग ये क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी लोकेशन ऑफ ऑयल फील्ड इन पाकिस्तान। ऑयल फील्ड हमारे पास एक पोरवा प्लेटू ऑयल फील्ड, और दूसरा लोअर सिंध ऑयल फील्ड। ऑयल रिफाइनिंग ऑयल जो हमारे पास इस्तेमाल होता है क्रूड ऑयल, वो बहुत अजीब सा, उसमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है, बहुत ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो ऑयल को पहले रिफाइन करते हैं। क्रूड ऑयल अपनी रॉयल स्टेट में नहीं यूज होता है, क्रूड ऑयल मतलब ये जो रॉयल इम्प्योर ऑयल हमने जमीन से निकाला है, तो उसको हम प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स में, जैसे कार्स, एयरप्लेन्स, केरोसिन ऑयल, डीजल, ट्रक्स वगैरह, इन चीजों के लिए बन जाए। ऑयल रिफाइनरी हमारे पास 5 ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में है, यानी जो ऑयल को साफ करती है, क्रूड ऑयल को एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसमें मोर जो सही उसमें कन्वर्ट हो जाए स्टेट में, जो हम इस्तेमाल कर सकें। मोरगा ऑयल रिफाइनरी, महमूद कोट ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी, हब ऑयल रिफाइनरी। मोरगा जो है हमारे पास अटक पर है, महमूद कोट हमारे पास वहां पर है मुल्तान में, पाकिस्तान और नेशनल हमारे पास कराची में, हब ऑयल रिफाइनरी बलूचिस्तान उसमें बलूचिस्तान में हब पर। मोरगा ऑयल रिफाइनरी जिसको हम अटक ऑयल रिफाइनरी भी कहते हैं, मतलब अटक ऑयल रिफाइनरी मोरगा, ये मोरगा पर है नियर अटक, ये रिफाइनरी रिफाइन करता है ऑयल कहाँ का, पोटोवार प्लेटू। आपके पास क्वेश्चन आता है बताओ ऑयल रिफाइनरी कहाँ है और क्यों वहाँ पे, तो मोरगा नियर अटक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पोटोवार प्लेटू से ऑयल निकलता है, और जो ऑयल निकलता है फिर वो उसको साफ करना होता है, रिफाइन करना होता है, तो वो मोरगा करती है, मुर्गा या अटक ऑयल रिफाइनरी, और फिर वो ऑयल को सप्लाई भी करना होता है, तो वहाँ पे डिमांड भी है इस वजह से। महमूद कोट ऑयल रिफाइनरी वो हमारे पास मुल्तान में, क्यों मुल्तान, इस वजह से वो अप सेंट्रल और सेंट्रल पाक मतलब अपर और लोअर इंडस्ट्री दोनों के मिडिल में है, तो जो हमारे पास क्रूड ऑयल आता है हम इम्पोर्ट करते हैं या हमने जो निकाला भी, हम मुल्तान में भेज सकते हैं, पाकिस्तान कराची में भी है, लेकिन एट टाइम्स होता है कि हम मुल्तान में वो भेज देते हैं जो रिफाइन करता है, और डिमांड को भी फुलफिल करता है अपर और लोअर एरियाज के। दिस रिफाइनरी सप्लाईज ऑयल टू सेंट्रल पाकिस्तान एंड लोअर पंजाब, पाकिस्तान एंड नेशनल ऑयल रिफाइनरी दोनों कराची में है, और हम लोग ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं सऊदी अरब से, और ऑयल जो लोअर सिंध में प्रोड्यूस होता है उनको रिफाइन करता है, और फिर हब ऑयल रिफाइनरी बलोचिस्तान में इम्पोर्टेड ऑयल, क्योंकि वहाँ पर भी पोर्ट के करीब है, तो फिर वो इम्पोर्टेड ऑयल को रिफाइन करता है, और ऑयल टू इंडस्ट्रीज हब इंडस्ट्री एरियाज ऑफ हब एंड कराची को प्रोवाइड करता है। अब ये हमारे पास फिगर आता है जो लोकेशन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज बताता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये ऑयल फील्ड है ये, और ये ऑयल रिफाइनरी है। क्वेश्चन क्या है आप देख लेते हैं, डिस्क्राइब करना है डिस्ट्रीब्यूशन, वही आपको बताना है कि एन एक्सप्लेनेशन बतानी है कहाँ पर है और क्यों है यहाँ पर। तो मोरगा ऑयल रिफाइनरी पोटोवार प्लेटू के उसे रिफाइंस ऑयल फ्रॉम पोटोवार प्लेटू ऑयल फील्ड, मोरगा जो है अटक पर है, पोटोवार प्लेटू से निकाल के जो ऑयल होता है उसको रिफाइन करते हैं। अब महमूद कोट जो है सेंट्रल पाकिस्तान को लोअर दोनों को मतलब वो सर्व करता है, क्रूड ऑयल बाय वाइट पाइपलाइन टू कराची, यानी सप्लाइड विद क्रूड ऑयल आता है वाइट पाइपलाइन से कराची, कराची से आता है इसके पास जिसको रिफाइन करता है, और फिर पाइपलाइन से ईरान, सप्लाइड बाय पाइपलाइन फ्रॉम ईरान अक्रॉस बलूचिस्तान, हम लोग ईरान से भी ऑयल मंगवाते हैं, तो ईरान का भी ऑयल को ये रिफाइन करता है, और दूसरा कराची से वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के थ्रू एक पाइपलाइन है वहां पर जाता है, तो उसको भी रिफाइन करता है। कराची रिफाइनरीज रिफाइन इंपोर्टेड ऑयल, कराची की रिफाइनरीज जो है वो रिफाइन करते हैं इंपोर्टेड ऑयल को, और लोअर सिंध की भी करते हैं, हब वाली जो है पाइपलाइन फ्रॉम कराची, हब रिफाइनरी को पाइपलाइन जाती है कराची से भी चली जाती है ऑयल फील्ड, लोअर सिंध ऑयल फील्ड से, और दूसरा हब और कराची इंडस्ट्री एरिया, लार्ज पॉपुलेशन और डिमांड ज्यादा इस वजह से। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल क्या है, ऑयल जो है पाकिस्तान इंपोर्टेड पेट्रोलियम दोनों क्रूड ऑयल रिफाइन वो सी से ट्रांसपोर्ट होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से, सऊदी अरब और यूएई से। अब वो एक स्पेशल शिप होती है, इनकी अलग से शिप बनाई जाती है जिसे ऑयल टैंकर कहते हैं, कि माड़ी पोर्ट पोर्ट कासिम पर जो ऑयल टैंकर है वो आता है ऑयल पायर पे, और पायर वो जगह है जहाँ पे ऑयल हैंडलिंग सिस्टम होता है,
फायर से शिप जो है ऑयल हैंडलिंग सिस्टम से कनेक्ट होती है। अब चाहे वो क्रूड हो रिफाइंड हो, जो भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑयल टैंकर शिप से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जाती हैं। अगर क्रूड है तो फिर वो रिफाइनरीज में चला जाएगा और प्रोडक्ट्स फिर बाकी पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल 3 तरह से होती है, रोड रोड टैंकर, रेल टैंकर और दूसरा पाइपलाइन। ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर हम आपके पास आता है कि बताओ ऑयल को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, जो तरीका आप बता रहे हैं। अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पाइपलाइन एफिशिएंट है, कन्वीनियंट है, चीपेस्ट मोड है बिसाइड बीइंग फार मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। कोई इसमें फ्यूल व्यूल नहीं डालना पड़ता, चीपेस्ट मोड है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और फास्ट भी है, कन्वीनियंट भी है। लेकिन इसका मसला ये है, अगर लीकेज हो गई तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड और पाइपलाइन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जाता है, लाइक सिर्फ ऑयल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कोई हमने कुछ और उठा के डाल दिया, ऑयल के प्रोडक्ट्स को भी डाल दिया, सिर्फ ऑयल जाएगा। रोड टैंकर जो है कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, इनएफिशिएंट है और ज्यादातर जो रोड है वो सिर्फ रेंजर से ही ट्रैफिक के लिए, लेकिन घिसते जाते हैं ना हमारे रोड्स खराब होते जाते हैं क्योंकि उस पर बहुत लोड पड़ता है, उससे डिग्रेडेशन विद एग्जिस्टिंग रोड सर्फेस। लेकिन फायदा भी है कि भाई हमारे पास रोड टैंकर से डोर टू डोर सर्फेस भी पॉसिबल है और लाइक डिफरेंट, और दोनों रेल, रोड और रेल से क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, दोनों तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे जा सकते हैं। क्रूड ऑयल अनरिफाइंड रॉ, इट कम्स आउट ऑफ ग्राउंड। क्रूड ऑयल इज पम्प थ्रू पाइप्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स एट द ऑयल टर्मिनल्स ऑन द कोस्ट टू रिफाइनरीज टू द रिफाइनरीज नियर बाय। क्रूड ऑयल पाइप्स के जरिए हम लोग पंप करते हैं, क्रूड ऑयल हम पंप करते हैं पाइप्स के जरिए ऑयल टैंकर से एट द ऑयल टर्मिनल ऑन द कोस्ट टू द रिफाइनरीज नियर बाय। जो पार्को है, पाकर रिफाइनरी कंपनी, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रही है कि जो ट्रू क्रूड ऑयल को है वो कराची से आगे ट्रांसपोर्ट करती है। अब कराची से पार्को की मिड कंट्री रिफाइनरी जो महमूद कोट पर है, वहां तक क्रूड ऑयल जाता है हमारा, और आफ्टर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल फिर वो अपर और मिड कंट्री में जाता है। पार्को के प्रोजेक्ट जो है, व्हाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो रिफाइंड ऑयल कराची से नॉर्थ तक ले जाएगी। फिर जब पार्को की एग्जिस्टिंग पाइपलाइन को क्रूड ऑयल के लिए कन्वर्ट करने से बाद में व्हाइट ऑयल पाइपलाइन जो है वो फिर व्हाइट ऑयल पाइपलाइन जो है वो व्हाइट ऑयल पाइपलाइन जो है वो रिफाइंड ऑयल क्रूड ऑयल दोनों ले जाती है ऊपर। और जो नई अंडरग्राउंड अभी एक नई बनाई है हमारी पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी हमारे पास पोर्ट कासिम से वहाँ पे महमूद कोट मुजफ्फरगढ़ में ले जाएगी, और इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करेगी, डिमांड क्योंकि बढ़ रही है, इस वजह से दूसरी पाइपलाइन भी हमने बना दी है और अच्छा खासा अच्छा इफेक्ट आएगा। यूजेस ऑफ ऑयल क्या है, ऑयल हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऑयल हमारा यूज होता है मोटर फ्यूल के तौर पर, गाड़ियों में डलता है और फिर सारे मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट दुनिया के चलाता है। ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीन्स, रिड्यूस फ्रिक्शन और रिड्यूस पावर जनरेट, पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ पावर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है, और बाय प्रोडक्ट्स के डोमेस्टिक इंडस्ट्री यूजेस हैं। ये आपको यूजेस ऑफ ऑयल नजर आ रहे हैं चार्ट में। बाय प्रोडक्ट्स इसके कौन से, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, वैक्स, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग के लिए ल्यूब्रिकेंट, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। और ये हमारे पास काफी ज्यादा कंजम्पशन जो ऑयल की हो रही है ना, वो ज्यादा हम ट्रांसपोर्ट, पावर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इस तरह इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम्स क्या है, वही जो हम पढ़ के आए थे सारा मिनरल रिसोर्सेज के टॉपिक में, और ये जो हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है ना, यही एक्सप्लेन डिटेल व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर पाकिस्तान टू इम्पोर्ट सो मच, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन पाकिस्तान में कम है, हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है, इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, पावर में, डोमेस्टिक में, इतनी जगह यूज होता है। तो ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीनरी है, थर्मल पावर स्टेशन है, मैकेनाइजेशन, यहाँ यहाँ यूज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास ऑयल की प्रोडक्शन कम है, हमारे पास इतना लैक ऑफ मशीनरी कि हम एक्सट्रैक्ट इतना ऑयल नहीं कर रहे हैं, हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी नीड्स, और ग्रोइंग डिमांड है, इंडस्ट्रीज बढ़ी है, रोड नेटवर्क की सारी चीजें लिखेंगे। अब बाय प्रोडक्ट्स भी इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर, व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज बिकॉज सो मच स्पेंडिंग, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हम बर्डन ऑफ डेट में बढ़ जाते हैं, हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट, इकोनॉमीज बर्न डाउन हो जाती हैं, एक्सपेंसिव होता है ये, लेस मनी फॉर एजुकेशन, हम ज्यादा मनी इस पर लगाते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इन सब के लिए इतना नहीं होता है, मोर टैक्सेस वगैरह, कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपोर्ट ऑयल, हमारे पास इतना नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करें ऑयल फील्ड को। अब स्टडी फिगर रेट विच शोज द अमाउंट स्पेंड बाय पाकिस्तान इन इंपोर्टिंग पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास अमाउंट जो स्पेंड है। अब ये ट्रेंड बताना है हमें, तो ट्रेंड जैसे हम, आपको पता है कैसे करते हैं, ओवरऑल इंक्रीज है, फ्लक्चुएट किया है कि नहीं किया, इतना इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ है, हाईएस्ट और लोअर दोनों बता। अब क्या है, एंटी क्लाइन ऑयल ट्रैप है, ये देख लें, एक दफा पढ़ लें, ऊपर मैंने आपको सारा ही समझाया था, वीडियो को आपने पॉज करना है और फिर आगे पढ़ना है। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसको भी एक दफा वीडियो को पॉज करें और एक दफा पढ़ लें। रेलवे, मैंने आपको बताया ज्यादा जगह पे जा सकता है, मोर प्रोडक्ट्स कैन बी कैरी, डिसएडवांटेजेस के क्या है रेलवे के, कि एक्सपेंस उसके हैं, वो भी एक्सपेंसिव है, स्मॉलर क्वांटिटीज में और ज्यादा चांसेस एक्सीडेंट्स, टैंकर और लॉरी का क्या फायदा है कि कहीं पर भी जाते हैं, मोर प्रोडक्ट्स डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं, थेफ्ट है, कैरी स्मॉल अमाउंट। अब ये 4 मेन यूजेस ऑयल के हैं,
यहाँ पे हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स पावर एंड ल्यूब्रिकेंट्स, और ये यहाँ पर हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या है, वैक्स डिटर्जेंट फाइन फाइनेंस ऑयल सिंथेटिक रबर। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ मेन यूज क्या है, हमारा फ्यूल के तौर पर भी यूज होता है, बाय प्रोडक्ट्स पावर ल्यूब्रिकेंट्स फ्यूल के तौर पर यूज होता है। विद रेफरेंस हाउ ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारे पास फार्मिंग में, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हमारे पास ऑयल इस्तेमाल होता है, ल्यूब्रिकेंट्स फॉर द मशीन, पेस्टिसाइड्स फॉर एग्रीकल्चर के बाय प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में हम जब चीजें बनाते हैं मशीन्स के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए भी फ्यूल है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर पावर हीट एंड लाइट, हीटिंग के लिए चाहिए हमें रॉ मटेरियल फॉर नेम प्रोडक्ट्स, टर्मिक पावर रोड्स वगैरह बनाने में मेटल रोड्स, ऑयल इस्तेमाल, ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यही जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं ये रिपीटेड है। अब नेचुरल गैस जो है वो हमारे पास सुई में मिलती है, सुई गैस कहते हैं ना क्योंकि वो सुई से आती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑयल के बाद जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑयल और कोल के बाद ये है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये है कि चीपेस्ट है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। जहाँ पर ऑयल मिलेगा ना वहीं पर गैस भी मिलेगी, ये चीप है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अब नेचुरल गैस सुई में हम डिस्कवर हुई थी, किसने की थी, पीपीएल ने, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, हम गए थे ऑयल की सर्च में, लेकिन मिल गया हमें गैस भी उसके साथ सोने पर सुहागा। इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस के फायदे बहुत हैं, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी और 35% रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल करता है, चीफ रॉ मटेरियल है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक लेवल में हम घर में यूज करते हैं इसको, थर्मल पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल होती है, तो इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक लेवल पावर जनरेशन, लो कॉस्ट एनर्जी यूज इन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी और एलपीजी। अब गैस फील्ड, तीन मेन गैस फील्ड है हमारी, ईस्ट सेंट्रल बलूचिस्तान एंड अपर सिंध, लोअर सिंध गैस फील्ड, नॉर्दर्न रीजन। अब जब हम बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल बलूचिस्तान एंड अपर सिंध, जो मेजर गैस प्रोड्यूसिंग रीजन है वो सेंट्रल बलूचिस्तान और अपर सिंध है, सुई गैस फील्ड वहां पर है, और सुई गैस जो है फिर वो पाइपलाइंस के जरिए कराची आती है और फिर सखर हैदराबाद आगे कराची से जाती है, एक और पाइपलाइन हमारी सुई से लाहौर जाती है, रहीम यार खान मुल्तान फैसलाबाद को क्रॉस करके एक मुल्तान भेजता है, वहां से फैसलाबाद रहीम यार खान लाहौर जाती है, फ्रॉम फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद से जो पाइपलाइन है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी पेशावर ऊपर के एरिया से सुई गैस कोयटा भी जाती है। अब सुई पिरखो मारी मयाल धुना ये एरियाज हैं, यहाँ पे पिरखो जो है ये हमारी डिस्कवर हुई थी और ये सुई से 100 किलोमीटर दूर है, सुई पिरखो जो है वो गैस फ्रॉम पिरखो इज पेरेंट टू सुई ट्रांसमिशन लाइन, ये भी है हमारे पास पिरखो बलूचिस्तान में। अब लोअर सिंध हमारे पास गैस फील्ड कौन सी है, वहां पर लोअर सिंध गैस फील्ड में हमारे पास सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ गैस है आफ्टर ये सुई के बाद, और यहाँ पे बुलचारी और भट्टी जो एरियाज हैं गैस फील्ड हैं। नॉर्दर्न रीजन में हमारे पास मयाल है, पिंदोरी आदि ये एरियाज है नॉर्दर्न रीजन में। एलपीजी जब नेचुरल गैस हम लोग बहुत कूल कर लेते हैं, टेम्परेचर में बहुत ठंडा कर देते हैं, वो लिक्विड बन जाती है, और ये लिक्विड जब बनती है तो इसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मैं नेचुरल गैस इज कूल टू वेरी लो टेम्परेचर, वो लिक्विड बनती है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह पर सिलेंडर्स में जाती है, मरी गिलगित फतेहाबाद जहाँ पे पाइपलाइंस नहीं डालती है क्योंकि वहाँ पे बहुत रगड़ टेरेन होती है, पाइपलाइंस को डालना डिफिकल्ट होता है, और वो जो गैस है वो फिर ट्रांसपोर्ट भी नहीं होते क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है लिक्विड में, तो इस वजह से हम लोग उसको एलपीजी को सिलेंडर्स में ट्रांसफर करते हैं। अब कहाँ पावर फर्टिलाइजर हाउस होल्ड इंडस्ट्री सीमेंट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट इन सब में इस्तेमाल होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल और गैस को ढूंढ रही है, जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सुई नदन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, सुई नदन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, सुई सदन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, पाक अरब रिफाइनरी है पाको, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड पीएसओ जो है पाकिस्तान स्टेट, और हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। अब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ गैस जो है वो पढ़ते हैं, एक सुई गैस से होती है और एक सुई नदन गैस से, सुई सदन गैस से होती है, सुई सदन गैस सदन को प्रोवाइड करती है सदन बलोचिस्तान, सुई नदन गैस पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी को प्रोवाइड करती है। विच गैस प्रोड्यूस सबसे पहले 1952 में हमारे पास सुई डिस्कवर हुई थी, बहुत ज्यादा है, नेम टू इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के तौर पर फर्टिलाइजर सीमेंट केमिकल, क्यों नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिमोट सिलेंडर्स में भी जाते हैं, रिमोट एरियाज में सिलेंडर्स में ट्रांसपोर्टेशन इजर देन कोल है, ऑल्टरनेटिव टू ऑयल एंड व्हीकल्स यूज इन पावर स्टेशन क्लीनर है, चीपर है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट शॉर्टेज ऑफ कोल एंड ऑयल चीपर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर गैस फील्ड ए कहाँ है, ये रही हमारे पास सुई गैस। स्टेप टू इज कि हम पाइपलाइन यहाँ पे नहीं है तो हम उसे एलपीजी में ट्रांसफर, एलपीजी में चेंज करेंगे, सिलेंडर्स में कर लेंगे या फिर टैंकर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेचुरल गैस घरों में क्यों इस्तेमाल, हीटिंग कुकिंग क्यों, क्योंकि हमारे पास लोकली अवेलेबल है, सिटीज टाउन में चीपर देन ऑयल एंड कोल है, इजियर देन कलेक्टिंग फायरवुड है, लेस बल्कि इजियर टू ट्रांसपोर्ट है और क्लीनर भी है। अभी हमारे पास नजर आ रहा है कि स्टेट द
लार्जेस्ट यूजर ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सबसे ज्यादा पावर में इस्तेमाल होती है, बाकी क्या है, फर्टिलाइजर, घरों में केमिकल्स में, अदर नेम आई यूज इन अदर सेक्टर। अदर सेक्टर कहाँ है हमारे पास, ये रहा अदर सेक्टर में हमारे पास, कहाँ, सीमेंट में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में, और सबसे ज्यादा पावर में इस्तेमाल होता है। आगे क्या है, वाई इज नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल, इट विल रन आउट। अब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी सप्लायर ने बताया हुआ है, नेम टू लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा क्या है एनर्जी के जो दो बड़े हैं, ऑयल और गैस है, व्हाट परसेंटेज, यहाँ से इसी से देखकर बताना है। नेम टू अदर सोर्सेज, नॉट नेम अदर चार्ट, दो अदर सोर्सेज बताने हैं, बाकी फिर रिन्यूएबल बता दें, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो मेंशन है, एजीपी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो है नॉन रिन्यूएबल है, बाकी रिन्यूएबल बता दें, एजीपी वैन जो भी है कुछ भी लिखे। स्टडी फोटोग्राफ है, ये हमें पोटोवाय प्लेटो की दिखाता है, इसी को हमें देख कर बताना है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, उसको आप स्क्रीनशॉट लें और फिर इससे कंपेयर करें, यही चीजें लिखी हुई है, और आपको समझ आएगा कि किस तरह हम करते हैं। ये नेचुरल गैस चीप फ्यूल है, इजी टू यूज है, क्यों एडवर्टीजमेंट कहती है चीप क्यों है, क्योंकि हमारे पास लोकली बनता है, इंपोर्ट नहीं करते हैं, बलोचिस्तान में मिलता है, बहुत सारे रिजल्ट है, लाइट वेट है, और हमारे पास पाइपलाइन से अवेलेबल है, सिलेंडर में भी जाता है, क्लीनर भी है, इजी टू एक्सट्रैक्ट है। बायोगैस, बायोगैस जो है हमारे पास एक रिन्यूएबल है, बायोगैस एनिमल वेस्ट से बनता है, स्पेशली काउ डंग। ये जो विलेजेस में है ना, ये लोग क्या करते हैं कि बायोगैस को उस पर डगा देते हैं दीवारों पे, इसकी मीथेन गैस आती है, जो मीथेन गैस है उसको फिर कुकिंग हीटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। फायदे क्या है, चीप सोर्स है, और डिसएडवांटेज एयर पोल्यूशन है, क्योंकि मीथेन है, ग्रीन हाउस गैस है, और काउडंग की लेस अवेलेबिलिटी होगी, क्यों, क्योंकि अगर हम ज्यादा इसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से मिलेगा। फिर बायोमास, बायोमास का मतलब है ऑर्गेनिक मटीरियल प्लांट एंड वेजिटेबल मैटर। बायोमास, ऑर्गेनिक मटीरियल प्लांट वेजिटेबल मैटर, दोनों लिविंग और डिकेइंग है, दोनों फ्यूल के तौर पे। बायोमास का मतलब प्लांट मैटर जो बनाया जाता है, जिससे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या तो फिर बायोफ्यूल बनाते हैं, एग्जाम्पल ट्रीज वगैरह है, ये सारी आपके पास एग्जाम्पल लिखी हुई है। बायोमास अभी न्यू नहीं है, विलेज वेमेन ये काउ डंग्स की बनाती है और फिर इसको होम कुकिंग फ्यूल पे इस्तेमाल करती है। चीप है बायोमास, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन रिन्यूएबल, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉन रिन्यूएबल है और इससे एयर पोल्यूशन है। सोलर एनर्जी, वही सन से जो एनर्जी आती है, कैसे तरीके हैं, सोलर सेल से हम पावर करते हैं, रेडियोज और स्मॉल कार, सोलर पैनल्स के जरिए हीट लेते हैं सन की, उसको हीट करते हैं वाटर, और स्टीम से टर्बाइन को जनरेट, टर्बाइन को टर्न करके हम लोग फिर जनरेट करते हैं, लाइक सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस जहाँ मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं टू फोकस सन रेज ऑन अ बॉयलर, स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी एटम से बनती है, और मोस्ट पावरफुल फिजन जो है, एटॉमिक फिजन में एनर्जी तब होती है, एटॉमिक फिजन का मतलब है एटम स्प्लिट हो जाते हैं अपने स्मॉलर सब्सटेंसेस, फ्यूजन में जब मिल जाते हैं एटम्स टू फॉर्म अ बिगर एटम, तो बोथ प्रोसेस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पाकिस्तान जो है हम यूटिलाइज कर न्यूक्लियर एनर्जी को, दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक कैनप है और चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे पास। और फैक्टर्स क्या है कि इसमें हमें क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फैसिलिटीज, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो यूरानियम है वो। एडवांटेजेस, बहुत ज्यादा आउटपुट है, रिलायबल है, स्मॉल इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, लेस पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, लेस चांसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, पाकिस्तान इज डेफिशिएंट इन फॉसिल फ्यूल्स, तो न्यूक्लियर एनर्जी सॉल्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, द फ्यूल रॉड्स एंड रिएक्टर्स प्रोड्यूस डेंजरस रेस पीपल, अगर उसे एक्सपोज, नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था, तो अभी तक जापान में बच्चे डिफॉर्म पैदा हो रहे हैं, पीपल जो है, चिल्ड्रन कैन बी बॉर्न डिफॉर्म, एक्सपेंसिव टू बाय एंड बिल्ड, न्यूक्लियर वेस्ट रेडियो एक्टिव रहता है बहुत सालों तक। ये प्रॉब्लम्स हैं कि भाई अगर रेडियो एक्टिव रहा तो मसले रहेंगे, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेररिज्म का बॉम्ब्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड पावर, वही हवा के जरिए, विंडमिल के जरिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, घरों सन में हम कर सकते हैं यहाँ पर। और एडवांटेजेस, वही रिन्यूएबल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लोकल और रिमोट एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड फार्म्स फार्मर्स की इनकम है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेंगे, जब हमारे पास रूरल रूरल एरियाज में हमारे पास इंडस्ट्रीज होंगी तो इसी के जरिए होंगी ना कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, जिसकी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन कम होगी, हमारी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ग्रीन हाउस गैस का मसला नहीं। लेकिन विंड टर्बाइन ये हैं कि एक्सपेंसिव है, तो बर्डन हमारी इकोनॉमी पर है, स्ट्रेंथ ऑफ विंड कॉन्स्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, तो कभी खुशी कभी कम, यही मसला है कि हमेशा सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ऑटोमेटिकली स्टॉप वर्किंग जब स्टॉर्म आता है, तो वो सिर्फ कोस्टल माउंटेनियस एरियाज में होते हैं, यहाँ पे हाई विंड स्पीड है, कैन नॉट डेवलप इन प्लेन एरियाज क्योंकि स्पीड कम है, और विंड टर्बाइन से बर्ड्स के लिए होते हैं। जियो थर्मल, जियो मीन्स अर्थ और फिर थर्मल मीन्स एरिया, पाकिस्तान में हमारे पास नहीं यूज होता है। जियो थर्मल मतलब कि हीट अर्थ की होती है, उसको बाहर निकालते हैं और फिर हॉट वाटर और स्टीम से हम लोग टर्बाइन को जनरेट करते हैं। रिन्यूएबल है, कॉन्स्टेंट सप्लाई है, पोल्यूशन फ्री है, सस्टेनेबल सॉल्व एनर्जी, लेकिन डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है और वोल्केनिक इरप्शन के, अर्थक्वेक के एरियाज के करीब है, तो वहां पर हमारी खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास जो है, पाकिस्तान में इतना खास नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ चागरी रीजन इन बलूचिस्तान प्लेटू हिमालय यहाँ पर है, लेकिन हम करते नहीं है। वेव जो है वो एनर्जी लेवल्स है, वो वेव मोशन से कंप्रेस होती है, फिर उससे हमारी ड्राइव करती है टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मकरान कोस्टल एरिया है, गवादर पास नियर मारा। एडवांटेजेस वही जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, वही डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव। टाइडल पावर जो है
ये वेव हमारी चलती रहती है, टाइडल पावर हर 24 घंटे में एक या दो दफा आती है। ये मूवमेंट ऑफ टाइड से होती है और अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस ऑफ सी कॉज बाय ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून। और एडवांटेजेस जो हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं ना रिन्यूएबल के, सारे वही डिसएडवांटेजेस एक्सपेंसिव डिस्टर्बेंस। हमारे पास कहाँ कहाँ है, हमारे पाकिस्तान में कहाँ है, सिंध प्रोविंस में जो है इंडस डेल्टा जो क्रीक है यहाँ पर टाइडल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी अच्छी खासी प्रोड्यूस हो रही है हाइडल से, थर्मल से, न्यूक्लियर से, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड सिस्टम से होती है। सारे जो प्रोविंसेस से निट है। एडवांटेजेस क्या है, हर कंट्री रिसीव करता है इसको इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू नीड्स। अगर कोई एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कम है उसकी नीड्स से तो शॉर्टेज मीट हो जाती है दूसरी पार्ट से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हम ट्रांसफर करते हैं। अगर पावर फेलियर हुआ एक एरिया में तो लॉस कंपनसेट हो जाता है फिर दूसरे एरिया से। नेशनल ग्रिड सिस्टम के कुछ नुकसान भी हैं कि लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं, जो कुंडा सिस्टम है उसकी जगह उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है, कहीं कहीं हमारे ऐसा हो सकता है कि लीकेज हो जाए उससे। और ड्यूरिंग विंटर सीजन अब क्या है कि नेशनल ग्रिड सिस्टम का मसला ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉन्स्टेंट नहीं होती है। विंटर सीजन में अगर हाइड्रल पावर से कर रहे हैं तो वो हाइड्रल पावर जनरेशन कम हो जाती है क्योंकि रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, सिल्टेशन की वजह से मसला हो जाता है डैम्स में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिमांड बहुत बढ़ गई है इसकी वजह से। फॉर रेगुलर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिवर्स का अब हम कैसे बेटर कर सकते हैं, रिवर्स का रेगुलर फ्लो। पाकिस्तान में बारिश होती है समर में होती है, ये टाइम है जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो इसमें अच्छा खासा हमारा गुड फ्लो होता है। विंटर में फ्लो कम हो जाता है क्योंकि लेस रेनफॉल है और कुछ वाटर स्नो में चले जाते हैं हायर एलिवेशन पे, तो देयरफॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग जो है वो प्लांट पावर करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना है। ये ज्यादातर हमारे माउंटेनियस एरियाज में होता है, डैम्स से ऊपर पानी नीचे आता है। जब पानी नीचे आता है तो फिर टर्बाइन, उसके प्रेशर की वजह से टर्बाइन रोटेट होती है और फिर जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पायलॉन्स और ट्रांसमिशन लाइन के जरिए आगे भेज देते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए। हाइड्रल प्लांट जब हमारे पास तरबेला, मंगला है, वर्षक है, यहाँ पर हमारे पास वो है, व्हाट डू वी कॉल इट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। अब स्मॉल हाइडल प्लांट्स भी हैं कुछ, ये तो बड़े थे ना जो हमने ऊपर पढ़े, स्मॉल जो है हमारे पास कुर्रम गाड़ी है, दरगाही है, ये एरियाज हैं। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ एचईपी, एक तो ग्लेशियर फेड रिवर्स यानी फ्लड्स, फ्लड्स का मसला है और ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं, और ओल्ड मशीनरी इन पावर प्लांट्स, मिस हैंडलिंग ऑफ फंड्स, फंड्स नहीं है हमारे पास पुरानी मशीनरी पावर प्लांट्स में, और ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं, कभी फ्लड्स आते हैं और इतनी केयर नहीं ली जाती है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल का भी मसला है जो अफेक्ट करते हैं। मेथड्स टू चेक फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्या है स्मॉल डैम्स को करें सीजनल रिवर्स पर, सीजनल रिवर्स जो सिर्फ फ्लो करती हैं ड्राई सीजन में, नहीं फ्लो करती हैं और उसमें फ्लो करती हैं, क्या नाम है, रेनी सीजन में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स कर लें हम लोग एनडब्ल्यूएफ बलूचिस्तान में, और लार्ज डैम्स फ्लड वाटर को स्टोर कर लें। मॉडर्न मशीनरी को इंस्टॉल किया जाए इन द पावर प्लांट, अब मॉडर्न मशीनरी को लाया जाए, ग्रिड सिस्टम को अच्छा किया जाए ताकि लाइन लॉसेज ना हो। डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के डेवलप की जाए ताकि अगर ग्रोइंग डिमांड को नहीं मीट कर पाए, अगर हमारे पास हाइडल से नहीं हो रहा है पूरी चीजें तो हम लोग सोलर से कर लें, विंड से कर लें, जियोथर्मल से कर लें, वेव से कर लें, टाइडल से कर लें, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर इन तरीकों से कर लें। तो ऑल्टरनेट इस तरह न्यू हाइडल प्रोजेक्ट जो है अभी भी लोग कर रहे हैं। हमारे पास जो है गाजी बरोथा प्रोजेक्ट है यहाँ पर रिवर इंडस के करीब, यहाँ पे सोच रहे हैं कि बनाएं। और लोड शेडिंग क्या है, प्लांट पावर कट्स कहते हैं, कैसे अफेक्ट करता है इंडस्ट्री और बिजनेस को, इंटरप्ट प्रोडक्शन, मशीनरी डैमेज हो जाती है, ये जो घर में हमारे पास हम लोग लाइट चली जाती है तो हमारा काम रुक जाता है, इसी तरह इंडस्ट्रीज में काम रुक जाता है। अब बार बार अगर झटके दे रही है तो फ्रिज जल जाती है, इससे क्वालिटी खराब हो जाती है हमारे, वो जो अगर इंडस्ट्रीज में चीजें बनी है क्वालिटी खराब, हम लोग ऑर्डर्स को नहीं मीट कर पाते हैं जिससे हमारे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉस हो जाते हैं और ऑर्डर्स में डिले आता है, मनी प्रॉफिट कम होता है। अब ये मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ओनर के लिए, कि वो लोगों को जाकर सैलरी दे, क्योंकि जब फायदा ही नहीं हुआ तो सैलरी कैसे देगा एम्प्लॉयज को, हो सकता है वो इंडस्ट्री ही बंद हो जाए, और जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। स्टडी फिगर दिस अभी हमारे पास नजर आ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नेम मशीन है, किस तरह वो फ्लो ऑफ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, डैम रिजर्वोयर है, टर्बाइन में जाता है, टर्बाइन के बाद ट्रांसमिशन कर, टर्बाइन रोटेट होती है। व्हाई इज हाइड्रल पावर चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों है, ये जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं ना, फ्री रॉ मटेरियल है, नेवर रन आउट, नॉट इम्पोर्टेड, हमारे पास अवेलेबल है, एफिशिएंट हाई पावर आउटपुट। व्हाट प्रॉब्लम्स अकर जब फ्रॉम रिजर्वॉयर्स टू हाई टू एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, क्या प्रॉब्लम्स अकर जब हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, हाई पॉपुलेशन, वायर्स की कॉस्ट है, टेरेन डिफिकल्ट है, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, डैमेज का मसला है, पैसे कम है हमारे पास, चोरी, कुंडा सिस्टम जो है वो, और लॉस ऑफ पावर बाय रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन, शॉर्टेज ऑफ मनी, यह हमें नजर आ रहा है डिफरेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
With reference, which sector uses the largest percentage? नजर आ रहा है domestic है. दो more larger uses बताने हैं और shown and explain what the, इसी पर ही दिखा हुआ है shown on the chart. तो इंडस्ट्री मशीनरी कंप्यूटर लाइटिंग फार्मिंग इन्हीं के लिए यूज करता है. लेकिन ट्यूबवेल ड्राइंग क्रॉप्स ऑफिसेस कंप्यूटर लाइटिंग कम्युनिकेशन एयर कंडीशनिंग व्हाट कम्स आर कॉस्ट. जब हमारे पास ये ब्रेक डाउन होती है वही जो हम ऊपर पढ़ के रहे हैं. टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब रिन्यूएबल बताने हमने. अब क्या है एक्सप्लेन व्हाई ऑफ द वेज ये यूज होते हैं. अब हमारे पास कुछ भी बता दें विंड विंडस हमारे यहाँ इंडस प्लेन में बन सकता है. हमारे पास माउंटेन्स पर विंड कोस्टल एरियाज में भी आ सकता है क्योंकि हवा तेज चलती है. टाइडल कोस्टल एरिया स्पेशली कराची में. बायोगैस चीप स्मॉल स्केल डिस्पोजल वेस्ट प्रोडक्ट. तो जो भी तरीका है ना क्यों पाकिस्तान में यूज हो रहा है. जियो थर्मल पाकिस्तान में नहीं है वो नहीं लिखेंगे बाकी जो है वो लिखेंगे. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट मोर रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स आर डेवलप्ड इन पाकिस्तान. यू मे रेफर टू फिगर 17. अच्छा यहाँ पे लिखा है यू हैव नेम ऊपर वाले सवाल पहले देखें. नेम टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली. एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो होते हैं जो हमारे रिन्यूएबल हो. तो रिन्यूएबल वाले इसी में जो तो नेम किया है ना उन्हीं के बारे में बताना है. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट मोर रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स को डेवलप करें. क्यों हम रिन्यूएबल को डेवलप करें और अपनी नॉलेज और फिगर वगैरह पर रेफर करें. तो जनरल रीजन क्या है कि अगर हम पावर फॉर नीडिंग मोर पावर सप्लाई. फ्रीक्वेंट पावर कट्स लोड शेडिंग वगैरह हो रही है. पॉपुलेशन बढ़ रही है. डेवलपमेंट को इनकरेज करना है तो जरूरी है कि रिन्यूएबल हो. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं. और रीजंस फॉर रिन्यूएबल स्कीम्स क्या हैं कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं. फॉसिल फ्यूल्स एक्सपेंसिव है. रिन्यूएबल चीप आफ्टर इंस्टॉलेशन है. कैन बी जनरेटेड इन रिमोट एरियाज. न्यूक्लियर डेंजरस है. और फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट सही नहीं होता जिससे मसले होते हैं. फॉसिल फ्यूल से एयर पोल्यूशन पुअर क्वालिटी ऑफ कॉलेज से बेटर है कि रिन्यूएबल को करें. और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है हमारे पास ये हमने उसमें वाटर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. वाटर फ्रॉम रिजर्वॉयर डैम से आता है. फिर स्टीप नैरो पेनस्टॉक से आता है. जब पेनस्टॉक जो है वो नैरो पाइप होता है जिसकी वजह से पानी बहुत स्पीड में आता है. फिर ड्राइव करता है वो टर्बाइन को जो फॉरन से जनरेटर को अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. फिर ट्रांसफार्मर से पाइलॉन्स ट्रांसमिशन लाइन नेशनल ग्रिड के जरिए आगे ट्रांसफॉर्म हो जाती है. नेशनल ग्रिड सिस्टम कनेक्ट्स हाइड्रल जनरेशन इन नॉर्थ एंड थर्मल जनरेशन इन मिड कंट्री इन द साउथ मैनेज बाय वापडा एंड केईएससी. इसमें ट्रांसमिशन लाइंस बहुत सारी हैं. ग्रिड स्टेशंस हैं जो ट्रांसमिट करते हैं पावर्स को लोड सेंटर जहां से आगे फिर कमर्शियल और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स में जाते हैं. अब यह है पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ नेशनल ग्रिड सिस्टम इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी. पर्पस क्या है हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें डिफरेंट एरियाज को उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. और उनकी पावर जनरेशन नहीं उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी नहीं उस पर दें. फॉर एग्जाम्पल कुछ एरियाज यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. जितना वो जनरेट नहीं कर सकते उससे ज्यादा उनको चाहिए तो हम वहाँ पे उतनी देंगे. ऑन द अदर हैंड कुछ एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा जनरेट हो रही है उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से. तो ये जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है ये फिर दूसरे एरियाज में सिस्टम के जरिए जाती है. लेकिन वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी है. अगर मैनेज नहीं किया तो लॉन्ग डिस्टेंसेस है. मैनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान हमारे नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है. तो हाउ डज दिस अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. सिवियरली लिमिटेड है. लोकल नीड्स के लिए सिर्फ होती है हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है सिंपल हैंड फुड मतलब पावर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं. कॉटेज क्राफ्ट इंडस्ट्रीज होते हैं. लेबर इंटेंसिव है और वर्क सिर्फ डे लाइट में पॉसिबल है. स्मॉल स्लॉट पर पार्ट टाइम एक्टिविटी. व्हाई इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन द नेशनल ग्रिड टू ऑल पॉपुलेट. क्यों मुश्किल है वही के फ्यूल रिसोर्सेज इतने नहीं है. पुअर मेंटेनेंस है. पावर की लॉस है. लैक ऑफ मनी. चोरी हो जाती है. कॉस्टली है. और लार्ज कंट्री रिमोट एरियाज है कुछ माउंटेन डेजर्ट्स. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. और दिस इज यू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लेक्सिबल फॉर्म है. कोल और नेचुरल गैस न्यूक्लियर के जरिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. कोल और नेचुरल गैस और न्यूक्लियर के जरिए थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. फॉसिल फ्यूल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट होती है हीट से स्टीम इसको बर्न करते हैं. हीट आती है. हीट से स्टीम बनती है. स्टीम टर्न करके टर्बाइन को इलेक्ट्रिसिटी बनती है. अब इन अ रीसेंट स्टडी इट वॉज स्टेटेड दैट ओवर 46% ऑफ थर्मल पावर जनरेटेड इन द एरिया अराउंड कराची. क्यों है कि कराची में हमारी डिमांड ज्यादा है. और फिर हमारी ऑयल रिफाइनरीज है. हमारे पास सारी चीजें हैं. हमारे पास ऑयल भी है. हमारे पास कोल भी है. हमारे पास गैस पाइपलाइन भी है. तो हमारे पास काफी चीजें हैं. इस वजह से वाटर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड जब थर्मल पावर स्टेशंस एक एरिया में बहुत सारे पोल्यूशन होती है. हमारे पास ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है. शॉर्टेज ऑफ ऑयल गैस कोल सप्लाई. डिप्लीशन होने शुरू हो जाती है. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन. और हॉट वाटर रिवर्स से प्योर होता है. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर रिन्यूएबल में. अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े. रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डाउन. रीजंस फॉर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच डैमेज इंडस्ट्री आर मेनी. दे इंक्लूड हाई कॉस्ट ऑफ पावर फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन एट द पावर स्टेशन एंड अनस्टडी. गिव थ्री रीजंस फॉर हाई कॉस्ट ऑफ पावर फ्रॉम पावर स्टेशन. क्यों है क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं थर्मल पावर स्टेशन में. तो हम इन्हें इम्पोर्ट करते हैं. नेचुरल गैस काफी
नेचुरल गैस एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, इस पॉइंट को अगर हम रिमूव भी कर लें तो देर इज नो सच पॉइंट। तो यहाँ ऑयल एक्सपेंसिव है इंपोर्ट करना, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन चार्ज हायर प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ पावर लाइन्स बहुत ज्यादा है, थेफ्ट है टेक्नोलॉजी, जस्ट वन रीजन क्यों ब्रेक डाउन होता है, मशीनरी पुरानी है, हाई डिमांड है तो पूरा करना है, थोड़ी थोड़ी देर यहाँ पे बंद कर देते हैं, दूसरी जगह दे देते हैं, मशीनरी पुरानी है, सिल्ट फ्रॉम रेजरवॉयर एंटरिंग एचपी टर्बाइन, सिल्ट है रेजरवॉयर से सिल्ट आती है तो एचपी टर्बाइन, अदर देन फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन क्यों अनस्टडी है, क्योंकि कभी कभी वो टूट जाती है ट्रांसमिशन लाइन्स, कभी इलीगल थेफ्ट होता है, फिर उसके बाद हमारे पास डिमांड बढ़ जाती है, शेडिंग पावर शेयरिंग होती है और फिर लेस एचपी इन्वर्टर। हाउ मेनी फैक्ट्रीज में ट्राई टू ओवरकम हाउ मेनी फैक्ट्रीज ट्राई टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम नेशनल ग्रिड, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे किया जाए फैक्ट्रीज का, कि एक तो गवर्नमेंट इंकरेज करे प्राइवेट पावर स्टेशन को कि वो भी बनाए, और फिर ऑल्टरनेट दिया जाए हाफ स्टैंड, क्यों, क्योंकि इंटरप्ट प्रोडक्शन होती है, वही जो मसले होते हैं ना वो यहाँ पे लिख लें, कंपैरिजन बिटवीन एचईपी एंड थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन करते हैं, कहीं पर भी बनते हैं जहाँ पर अवेलेबल है लेकिन, और लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन न्यूक्लियर कॉस्ट के अलावा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अलावा रनिंग कॉस्ट वेरी हाई, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज वेरी एक्सपेंसिव टू डीकमीशन, हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है व्हिच विल यूज टू जनरेट एचपी विल नॉट बी जस्ट एचपी वाइट कोल है, इट प्रोड्यूसेस पावर विदाउट एनीथिंग हैव टू बी बर्न, पानी आया पानी से हो गई, कुछ बर्न नहीं करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली, फिजिकल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स इसके मसले हैं, जैसे वैलीज डीप गॉर्ज गॉर्ज चाहिए इसके, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम चाहिए, माउंटेनियस एरिया चाहिए और बारिश ज्यादा चाहिए, फिर उसको पानी और चाहिए, रिवर्स भी भरी भरी होनी चाहिए पानी से, ये मसला है इसके। इनिशियल कॉस्ट जो है इसकी वो हाई है, लेकिन जो इसकी रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि हम रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करें, तो रूरल एरियाज में करेंगे ज्यादातर एग्रीकल्चर होता है, ट्यूबवेल्स होंगे तो वाटर डॉग सैनिटी कंट्रोल होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी जैसे एम्प्लॉयमेंट होगी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब डेवलप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स पूरे होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लोग अपने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो जाएगा, और दूसरा फ्री फ्रिजेस वगैरह यूज भी करेंगे जिस वजह से उनका ये बढ़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब इन्होंने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे विलेज एड, बेसिक डेमोक्रेसी एंड रूरल वर्क्स प्रोग्राम, ये सारे हैं प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज मेन टारगेट एंड प्रोग्राम्स का, और मेनी ऑफ स्मॉल विलेजेस जो हमारे एंड ऑफ ईयर बलोचिस्तान में है ना वो ट्रांसमिशन लाइन से बहुत दूर है, तो जो दूर है ना वहाँ पे देना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ लेइंग इन, मसला क्या है कि एनडब्ल्यूएफपी और बलोचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन के विलेजेस बहुत दूर है, तो कॉस्ट ऑफ लेइंग एंड मेंटेनिंग ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा बर्डन है हमारे पास कंट्री के मियाकर रिसोर्सेस पर, रिटर्न इतना नहीं आता ना, मसला यही है हमारा। अब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम फैक्टर्स क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्टेंस फ्रॉम पावर सप्लाई लाइन, विलेज विद इन 1 किलोमीटर सप्लाई लाइन इलेक्ट्रीफाई होती है, अगर दूर है तो नहीं होती है, विलेजेस लार्जर पॉपुलेशन को करते हैं, विलेजेस अगर हम पंजाब और सिंध में देखें ना तो उन्होंने कहा है कि अगर 1000 पीपल होंगे एक विलेज में तभी हम देंगे, बलोचिस्तान में कहा 300 लोग होंगे तभी हम देंगे, तो 300 पीपल होंगे अगर एक बलोचिस्तान की विलेज में तो उधर हम देंगे, और एनडब्ल्यूएफपी और बलोचिस्तान में का 300 लोग होने चाहिए। सस्टेनेबल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पावर रिसोर्सेज, ऑल्दो पावर रिसोर्सेज हमारे इफेक्टिव हैं लेकिन मिसमैनेजमेंट से मसला होता है, हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल कैसे हम डेवलपमेंट करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें उसको, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, और फॉर द फ्यूचर एग्जॉस्टन मतलब ज्यादा एग्जॉस्ट ना करें उन रिसोर्सेज को, प्रोटेक्ट करें हम लोग, स्ट्रिक्ट लॉज और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करें, फॉल्टी डैमेज ट्रांसमिशन लाइन्स को सही से करें ताकि कोई लॉस ना हो इलेक्ट्रिसिटी का, स्ट्रिक्ट मेजर्स टू अवॉइड चांसेस ऑफ थेफ्ट। तो आज हमारा चैप्टर हो गया पावर रिसोर्सेज, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।